दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाली है, जब भी हम क्रोम ब्राउजर में अपना जीमेल ओपन करते हैं, जिसके मैं आपको लाइव प्रूफ करके भी दिखा देता हूं, तो मेरे साथ भी ये पर्सनली प्रॉब्लम हो रही है, जो आप अभी जो देख के थंबनेल में देख के आए हो, इस वीडियो को क्लिक किया है, तो वही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही है। बट मेरे पास आज का इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन है, तो कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट एक चीज़ का मैं पहले वो भी दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए यार, जीमेल पे हम ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो जीमेल लिंक लॉगिन होगी वो यहाँ पे ओपन तो हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए अभी फिलहाल मेल कुछ इस तरह से ओपन तो हो चुकी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए जीमेल का। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट कर लेंगे, तो भी क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे डेस्कटॉप साइट करते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है, लेटेस्ट वर्जन नहीं मिलता। एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप थ्री डॉट पे मतलब थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल रहा है ओल्डर वर्जन और डेस्कटॉप। अगर मैं फिर से यहाँ पे ओल्डर वर्जन, यानी कि जो अभी जो अब चल रहा है वो ओल्डर वर्जन है, ठीक है, ये अभी आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है डेस्कटॉप वर्जन, अगर उस पर हम क्लिक करते हैं तो भी क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं डेस्कटॉप वर्जन किया तो कुछ इस तरह से आ रहा है, जो कि ये भी लेटेस्ट वर्जन नहीं है, मतलब लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है जीमेल का वो नहीं है। और इसमें क्या हुआ कि मेरे जो पहले मैंने ईमेल दिखाए वो ईमेल नहीं है, लेकिन दूसरी वाली ईमेल ओपन हो चुके जिसके मेल्स आ चुके, मतलब कि कुछ उल्टा सीटा ही हो रहा है, हम वो ईमेल सेलेक्ट भी नहीं कर पा रहे जिसको हमें दिखाना है। एक और चीज़ यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप क्लिक करते हैं तो टैग टू न्यू जीमेल वाला जो ऑप्शन आता है वहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट न्यू जीमेल लेटेस्ट वर्जन ओपन होना चाहिए वो नहीं होता। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है एचटीएमएल वाला, उस पर क्लिक करते हैं तो एचटीएमएल वाला हो जाता, लेकिन न्यू जीमेल ओपन नहीं होता, और ये इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है, दो सॉल्यूशन है, मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यहाँ पे इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो चैनल पे विजिट करें एक बार। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, और जीमेल की तो है ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने दिखाया है, तो जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं पहला सॉल्यूशन बताऊंगा, इसमें हो जाता तो ठीक, नहीं होता तो दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊँ, अगर हो भी जाता है तो भी दिखाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट में शायद किसी का ना भी हो तो आप सेकंड वाला यूज़ कर सके। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए और आपको जाना है हिस्ट्री वाले सेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री वाला पूरा सेक्शन आ जाएगा, जीमेल ही भर रखा है मैंने इसमें, तो आपको क्लियर ब्राउजर ब्राउजिंग डेटा पे जाना है। अब यहाँ पे आपको एडवांस में जाना है, एडवांस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑल टाइम ही सेलेक्ट रखना है, जो कि यहाँ पे लास्ट आवर्स, लास्ट 24/7 डे, फॉर वीक वगैरह, ये कि आप चूज नहीं करना, आप ऑल टाइम ही रखना है, ये ऑल टाइम है वही रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे अब ये वाले मत कीजिए, ये वाला क्या करेंगे, ये आप कर देंगे सेव पासवर्ड ऑफिल डेटा वगैरह, तो आपके पासवर्ड जा सकते हैं और फिर आपको सारी ईमेल जितने भी आपने ईमेल क्रोम में लॉगिन करके वो सारी वापस लॉगिन करनी पड़ेगी, तो ये वाला सेलेक्ट मत कीजिए। और कैच फाइल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कुकीज जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ब्राउजर हिस्ट्री जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए अभी होम पेज पे इतने मेरे जो शॉर्टकट यहाँ पे है वो भी क्लियर हो जाएगा, तो क्लियर पे हम क्लिक करते हैं। जितनी हिस्ट्री ज़्यादा होगी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेरा आप यहाँ पे देख भी सकते हो 2000 ऊपर से ब्राउजिंग हिस्ट्री है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे मैंने कितने कुकीज साइट पे विजिट किया, 600 साइट पे, वो भी दिख रहा है, तो थोड़ा टाइम तो लग जाएगा मेरा पर्सनली। आपका ज़्यादा विजिटर नहीं हो गया, मतलब ज़्यादा विजिट नहीं किया होगा तो फटाफट हो जाएगा। सो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री क्लियर हो चुकी है, फेस दैट यू विजिट अपियर हियर, आप यहाँ पे इसको इस ऊपर से यहाँ से बंद कर देना है। जैसे बंद करेंगे तो बैक चले आना है, यहाँ पे थ्री प्लस पे मतलब प्लस आइकन पे क्लिक करना है, इस टैब को पुराने वाले को बंद कर लीजिए, यहाँ पे न्यू टैब आइए। ये देखिए अब फिलहाल बिल्कुल फ्रेश जैसा हो रहा है। अब आपको जीमेल यहाँ पे क्लिक करना है, जीमेल पे जाना है वापस और यहाँ पे जीमेल आईडी ओपन कर लेनी है, तो ईमेल जो हमें दिखाना है वो सेलेक्ट कर लेते पहले, यहाँ पे आपको वही जीमेल ओपन करनी है, आप पे डिपेंड करता है, तो हम वो ईमेल अभी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ईमेल चेंज कर दिया क्योंकि मैं आपको ये वाला ईमेल दिखाना चाहता हूँ, इस वजह से। ईमेल से कोई मतलब नहीं, कोई भी आप ईमेल यूज़ करें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम जो मेन चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जीमेल पे हम क्लिक करते हैं, अब इसमें देखते हैं कि क्या यहाँ पे शो कर रहा है। पहला मेथड अगर काम कर जाए तो ठीक, नहीं करता दूसरा मेथड हमारे पास है, अभी मैं दिखाऊँगा, लेकिन अगर फर्स्ट में हो जाता तो क्या दिक्कत है, फिर भी मैं आपको दिखाऊँगा सेकंड मेथड क्या है। बट यहाँ पे देख लेते, थोड़ा वेट करते हैं। तो mail.google.com अभी ओपन होने वाला है,
तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो लेटेस्ट वर्जन वही चला, लेकिन अभी एक और चीज़ करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप साइड कर लीजिए। अब ये करने के बाद क्या होता है वो देख लेते हैं। अब होना चाहिए जीमेल नया वाला वर्जन, नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, सॉरी थ्री लाइन पे क्लिक कीजिए, ओके यहाँ पे, और फिर यहाँ पे डेस्कटॉप साइड कर लेना है। अब डेस्कटॉप साइड करने के बाद इस बार होना चाहिए, नहीं हुआ तो मतलब फर्स्ट मेथड काम नहीं कर रहा, बहुत सारे फ्रेंड को इस मेथड्स के काम कर जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम जाना है वापस सेटिंग में, सेटिंग में जाइएगा और फिर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या करना है। सेटिंग में जाना है, ऐप्स वाले सेक्शन में जाना है, ऐप मैनेजमेंट मेरा है, आपका ऐप लिस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐप लिस्ट में जाना है, फिर यहाँ पे ऊपर आपको जीमेल को ढूंढ लेना है, तो मैं सर्च कर लूँगा जीमेल को। उसके बाद यहाँ पे आप जीमेल को मत जाइएगा, गूगल क्रोम में जाना है, मैंने जीमेल बोला पहले लेकिन आपको क्रोम में जाना है, तो क्रोम को ओपन कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे आपको स्टोरेज पे जाना है, स्टोरेज पे जाने के बाद ये क्लियर कैच, क्लियर डाटा सब कुछ कर देना है, क्लियर डाटा क्लियर कैच, पहले क्लियर कैच करते हैं और यहाँ पे ये कैच क्लियर हो चुका, क्लियर डाटा भी कर लेते हैं। ये देखिए क्लियर डाटा यहाँ पे लिखा है, ऑल डाटा मैनेज फ्री स्पेस, तो यहाँ पे स्ट्राइप स्टोरेज क्लियर टू क्रोम इंक्लूडिंग अकाउंट्स बुक मार्क सेव, ये सब कुछ चला जाएगा। मतलब कि वापस आपको इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि आपको सारी ईमेल को वापस यहाँ पे लॉगिन करनी पड़ेगी। तो क्लियर डाटा कर लेते हैं, ओके क्लियर डाटा मैंने कर लिया, अब यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पूरा क्लियर हो चुका है। अब वापस क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं और फिर एक जीमेल कोई भी एक लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सेप्ट और कोई भी एक जीमेल हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक जीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि ये जीमेल कौन सी आई, जो जीमेल अकाउंट में मतलब जीमेल एप्लीकेशन में लॉगिन थी वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सो यहाँ पे मैं जीमेल सेलेक्ट कर लिए, एस आई एम इन ओके कर देना है और फिर यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब हम आपको जीमेल ओपन करके दिखाएंगे, 100% आपका काम हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए वापस जीमेल पे जाते हैं और जीमेल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट से डेस्कटॉप साइट, यानी कि डेस्कटॉप साइट करने के बाद जीमेल गूगल पे क्लिक कर देना है, आपका जीमेल आपको डेस्कटॉप वर्जन जैसा देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे पुराना वाला वर्जन यानी सॉरी नया वाला वर्जन आ चुका है गूगल वर्क स्पेस, और ये ओपन होने के बाद आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे ये ओपन दिखने को मिलेगा। तो देख सकते हो ये बिल्कुल वही जीमेल है जो लेटेस्ट वर्जन है, और डेस्कटॉप साइट यानी कि लैपटॉप पीसी में हमें देखने को मिलता है, वैसा ही यहाँ पे मोबाइल में देखने को मिल रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि पहला वाला सॉल्यूशन अगर आप काम नहीं कर रहा तो दूसरा वाला सॉल्यूशन यही है कि आपको क्रोम का क्लियर डाटा करना पड़ेगा सेटिंग में जाके। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो जीमेल है पुराने लॉगिन वो जा सकती है, पहले उसका पासवर्ड रिकवरी कर लीजिए, पासवर्ड भूल चुके होंगे तो दिक्कत हो सकती है, इस वजह से वापस लॉगिन करने के लिए पहला पासवर्ड आप उसका कहीं लिख के रखें या फिर चेंज कर लीजिए, उसके बाद ही ये प्रोसेस कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो ये था आज के इस वीडियो में, होप सो आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए, वीडियो लाइक कर लेना और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।